देखिए हम लोग आज शुरू कर रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अकाउंट्स का एक चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में हम लोग जान लें कि प्रेफरेंस कहते किसको है। प्रेफरेंस शेयर पहले तो ये जान लीजिए कि शेयर दो तरह का होता है। एक शेयर होता है इक्विटी शेयर और एक शेयर प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर होल्डर होते हैं जो अपना शेयर कंपनी में खरीदते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको क्या होता है कि सिक्योरिटी नहीं मिलता है। उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलता है कि उनका पैसा उनको वापस ईमानदारी से मिल जाएगा या उनका डिविडेंड जो है वो भी टाइम पर मिल जाएगा। ये सारा सिक्योरिटी मिलता है अगर किसी को, तो वो सिक्योरिटी सारा मिलता है किसको, वो सारा सिक्योरिटी प्रिफरेंस शेयर को मिल जाता है। प्रिफरेंस शेयर के साथ ये खासियत होता है कि प्रिफरेंस शेयर होल्डर जितना भी होता है वो सारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ये खासियत होता है कि उसको दो चीज का प्रायोरिटी दिया जाता है। पहला प्रायोरिटी दिया जाता है उसका कैपिटल का और दूसरा प्रायोरिटी दिया जाता है उसका डिविडेंड का। कैपिटल का प्रायोरिटी का मतलब है कि उनका कैपिटल उनको टाइम पर लौटा दिया जाएगा, जो टाइम बाउंड लिखा हुआ होता है वो टाइम पर उनका कैपिटल उनको लौटा दिया जाएगा। प्लस डिविडेंड का भी प्रायोरिटी होता है कि अगर डिविडेंड बांटना है तो इक्विटी शेयर से पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर वाले को प्रेफरेंस देती है। नाम ही है कि प्रेफरेंस है, यानी उनको पहले से हक मिला हुआ है कि उनको पूर्वाधिकार है कि वो अपना डिविडेंट पाएगी पहले, वो अपना डिविडेंट पहले पाएगी और इक्विटी वाले का डिविडेंट बाद में मिलेगा। रिडेम्पशन भी होता है तो प्रेफरेंस का ही पहले होता है, इक्विटी का रिडेम्पशन पहले नहीं होता है। जब भी रिडेम्पशन होगा तो प्रेफरेंस का ही होगा। तो आज हम लोग वही चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कैसे किया जाता है, क्या पॉलिसी है। तो दो बात है कि किसी भी शेयर का रिडेम्पशन करने से पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि उसने फुल पेमेंट किया है कि नहीं किया है। अगर एक शेयर का जितना फेस वैल्यू में कॉल्ड अप किया गया है, जितना रुपया मांगा गया है, अगर उससे कम रुपया वो पेमेंट करता है तो वैसे स्थिति में उसके शेयर का रिडेम्पशन नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखना है कि अगर आपने एक शेयर का फेस वैल्यू 50 रुपया रखा है और उसमें आपने 40 रुपया मांगा है तो उसी शेयर होल्डर का पैसा का रिडम्पशन होगा जो 40 का 40 रुपया दिया है। अगर कोई 40 से कम दिया है तो उनका रिडम्पशन नहीं किया जाएगा। जो 40 रुपया से कम देगा उनका रिडम्पशन नहीं होगा। तो इसमें दो तीन चीज है। पहले वो जान लेना है कि इसका सोर्स यानी पैसा कहाँ से आएगा। किसी भी कंपनी को प्रेफरेंस शेयर का अगर रिडम्पशन करना है तो उसके लिए वो पैसा कहाँ से लाएगा। तो सबसे पहले वो पैसा लाएगा जो प्रॉफिट डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले वो पैसा जो प्रॉफिट डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल है उसी से वो पेमेंट करेगा, यानी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जिस प्रॉफिट को हम जमा करके रखे हैं डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए, उसी से हम उसका पैसा रिडम्पशन कर सकते हैं। सेकंड बात यह कहता है कि कभी भी प्रिफरेंस शेयर का रिडम्पशन तभी संभव हो सकता है जब वो शेयर का फुल पेमेंट किया। जैसा अभी तुरंत आपको बताए थे कि जो फुल्ली पेड है उन्हीं का ये रिडम्पशन होगा और जो फुल्ली पेड नहीं है उनका रिडम्पशन नहीं होगा। अगर मान के चलिए कि कोई शेयर होल्डर 50 रुपया में 40 रुपया मांगा गया है और 40 रुपया दे दिया, तब तो उसका पेमेंट हो जाएगा, रिडम्पशन हो जाएगा। लेकिन अगर 40 के बदले वो 30 रुपया देता है तो उनका रिडम्पशन नहीं होगा। कई बार रिडम्पशन का जो कोष है वो पैसा कहाँ से लाया जाएगा, एक तो स्रोत हो गया, एक उसका कोष का हो गया। तो उसमें लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि उसका कोष कहाँ कहाँ से बना के रखा जाता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है इसमें। कई बार प्रिफरेंस शेयर का रिडम्पशन ऑन प्रीमियम पर होता है, यानी कि अगर हम 100 रुपया लिए हैं तो हो सकता है कि 110 रुपया भी दे सकते हैं, 105 रुपया भी दे सकते हैं, 108 रुपया भी दे सकते हैं, हम लोग उसको ज़्यादा पेमेंट दे सकते हैं। तो कई बार रिडम्पशन प्रिफरेंस शेयर का रिडम्पशन जो होता है वो ऑन प्रीमियम पर होता है। कई बार रिडम्पशन करने के लिए हम लोग एक और तरीका अपनाते हैं कि हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी नए शेयर में। रिडेम्पशन का एक और तरीका होता है कि हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी नए शेयर में। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसा प्रॉफिट है जिसको प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के लिए यूज किया जा सकता है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसा प्रॉफिट है जिसका यूज प्रिफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के लिए किया जा सकता है। तो उसमें पहला नाम आता है, सबसे पहला नाम स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, जो जनरली हम लोग पीएल अकाउंट में प्रॉफिट की बात करते हैं वही इसमें आता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट जनरली यही पहला चीज है। दूसरा चीज जो यूज किया जा सकता है वो है जनरल रिजर्व। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ही पैसा जमा करके जनरल रिजर्व बनाया जाता है, और वो जनरल रिजर्व का आप इसमें यूज कर सकते हैं। जनरल रिजर्व के बदले एक वर्ड और यूज किया जाता है, रिजर्व फंड। उस रिजर्व फंड का भी आप रिडम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड इंश्योरेंस फंड। कुछ पैसा ऐसा है जो इंश्योरेंस फंड में रखा जाता है, इस पैसा को भी रिडम्पशन के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का भी पैसा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड, वर्कर एक्सीडेंट फंड। इतना पैसा का, इतना में अगर आपका पैसा जमा है तो इतना में जमा पैसा का यूज प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए किया जा सकता है। अब उसके बाद हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसा प्रॉफिट है जिसका यूज आप रिडम्पशन में नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी प्रॉफिट है जिसका यूज आप रिडम्पशन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डिविडेंड बांटने के लिए नहीं होता। उपरोक्त जितने प्रॉफिट थे वो डिविडेंड बांटने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन अभी जिसका जिसका हम लोग नाम बताएंगे उसका डिविडेंड बांटने में यूज नहीं होता है। और ऐसे प्रॉफिट जो जमा प्रॉफिट है इनका यूज प्रिफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसमें पहला नाम आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए ये विवादित चीज है, कहने को तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है उसका यूज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इसका यूज हो जाता है। नियमतः इसका यूज क्या चीज में होना चाहिए, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपके पास पहले से जमा करके रखा हुआ है और अभी जो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन अगर आप ऑन प्रीमियम पर करना चाहते हैं, तो प्रीमियम पर अगर आप करना चाहते हैं तो उसका जो प्रीमियम है, यानी कि अगर 50 के बदले में आप 55 रुपया देना चाहते हैं, तो जो 5 रुपया आप ज्यादा देना चाहते हैं उसका यूज पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में रखे हुए पैसे से आप कर सकते हैं। नियम ये कहता है कि अभी जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होने वाला है उससे जो जमा पैसा है, पहले से जो जमा पैसा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, जो पहले से जमा पैसा है उस पैसा को हम लोग प्रॉफिट की तरह यूज करेंगे, और अभी हम जो प्रीमियम पर रिडम्पशन करने जा रहे हैं वो एक तरह से लॉस है, क्योंकि 50 रुपया की जगह अगर आप 55 रुपया दीजिएगा तो 5 रुपया आपको नुकसान होगा। तो वो 5 रुपया का नुकसान पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में रखे हुए 10 रुपये के फायदा या 2 रुपये का फायदा से रिटर्न हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भुगतान के लिए आप मूलधन अमाउंट का यूज नहीं कर सकते हैं। मूलधन अमाउंट का मतलब है कि अगर एक प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन 50 का 50 में करना है तो मूलधन अमाउंट हो गया 50 रुपया, या 50 का 55 में करना है तो भी मूलधन अमाउंट 85 रुपया हो गया, 5 रुपया प्रीमियम होगा। तो जो 50 रुपया मूलधन है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से आप खर्चा नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम में से आप सिर्फ प्रीमियम को ही रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, मूल अमाउंट को, प्रिंसिपल अमाउंट को आप यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट नहीं यूज किया जाने वाला अमाउंट है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का भी पैसा आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। एक कंपनी के स्थापित होने से पहले अगर कोई प्रॉफिट हुआ है, एक कंपनी के स्थापित होने से पहले अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो उस पैसा का भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व का भी प्रयोग आप रिडम्पशन के लिए नहीं कर सकते, जनरल रिजर्व का यूज कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ बोलिए। आप जो बोले प्रॉफिट कंपनी के स्थापना से पहले होता है उसका एग्जांपल? हाँ उसका एग्जांपल होता है, जैसे आप एक एग्जांपल लेके चलिए कि मिस्टर एक्स एक कंपनी खोलने जा रहा है, बाय द वे वो एक्स कंपनी खोलने जा रहा है, बहुत सारा उसको पेपर डॉक्यूमेंट्स के लिए पैसा जमा रखना है, पेपर डॉक्यूमेंट्स में अगर वो पैसा जमा रखा है या कंपनी कोई एसेट्स परचेज भी कर लिया, अभी कंपनी रन नहीं कर रही है, लेकिन उसको अब ये फील हो रहा है कि वो जगह जो है, जैसे इनकम टैक्स में आप पढ़े थे कि कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बाय गवर्नमेंट, कई बार गवर्नमेंट को ऐसा फील होता है कि वो इंडस्ट्रियल यूनिट सरकार के द्वारा कंपलसरी एक्वायर कर लिया जाता है,
कभी आपकी कंपनी स्थापित हो तो गई लेकिन वो रन नहीं की है, और वैसे स्थिति में अगर वो आपका कंपलसरी एक्विजिशन गवर्नमेंट के द्वारा कर लिया गया और उसमें आपको कोई प्रॉफिट हो गया तो वही प्रॉफिट इसमें आता है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। कि कंपनी के रन होने से पहले, अगर इस एक एग्जांपल में हम आपको दे रहे हैं कि अगर कंपलसरी एक्विजिशन गवर्नमेंट कर लेती है तो वैसे स्थिति में प्रॉफिट अगर हो गया, बाय द वे लॉस हो गया तब तो बात नहीं है, और अगर प्रॉफिट हो गया, आपने 50 लाख का जमीन खरीदा था, गवर्नमेंट ने आपको कंपनसेशन में 70 लाख रुपया दे दिया, तो 20 लाख रुपया का जो प्रॉफिट है वो इसमें शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व का यूज कभी भूल के भी नहीं किया जाना चाहिए रिडम्पशन के लिए। नेक्स्ट, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व का भी यूज नहीं किया जाता है रिडम्पशन के लिए। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का भी यूज नहीं किया जा सकता। तो ये सब कुछ ऐसे आइटम है जिनका यूज रिडम्पशन के लिए नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आइटम है कि पैसा, दूसरा जो पैसा है ये तो हो गया प्रॉफिट में से निकालने का तरीका, दूसरा जो पैसा लाने का तरीका है बाय इशू ऑफ न्यू शेयर। कई बार कंपनी के पास प्रॉफिट में पैसा नहीं रहता है, उतना लाभ नहीं रहता है, तो कंपनी क्या करती है कि प्रॉफिट में जो जमा पैसा रहता है उसके बाद अगर उसके पास पैसा कम पड़ रहा है, उससे नहीं हो पा रहा है, तो नए शेयर को इशू कर देती है, और नया शेयर को इशू करने से जो पैसा मिलता है उससे वो रिडेम्पशन कर देती है। कई बार कंपनियां जब प्रॉफिट से रिडेम्पशन के लिए पैसा नहीं पूरा होता है तो नया शेयर इशू कर देती है, और नया शेयर के इशू करने से जो पैसा आता है वो पैसा का ही प्रयोग रिडेम्पशन के लिए किया जा सकता है। लेकिन उसमें दो बात है, आपको पहले भी बोला गया था और दोबारा फिर दोहराया जा रहा है कि अगर इशू एट पार पर किया गया है तो जो पार वाला पैसा है वो तो रिडम्पशन के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर शेयर नया जो इशू किया गया है वो प्रीमियम पर अगर इशू किया गया है तो प्रीमियम वाला पैसा मूलधन अमाउंट के पेमेंट के लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता है। ये हम एक्सेप्शनल बोल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में ऐसा प्रॉब्लम आया है कि प्रीमियम का पैसा को भी मूलधन के लिए यूज कर लिया, लेकिन नियमतः अगर थ्योरी लिखने के लिए आएगा तो थ्योरी में कभी भूल के नहीं लिखेगा कि प्रीमियम का पैसा से हम प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करेंगे। प्रीमियम का पैसा से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है उसको रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कुछ प्रॉफिट में से निकाल के और कुछ नया इशू करके, कुछ प्रॉफिट में से निकाल के और कुछ नया इशू करके भी कर सकते हैं। मतलब एक तो था कि पूरा प्रॉफिट से निकाले और तब रिडम्पशन किए, दूसरा था कि पूरा नया इशू से निकाले और तब रिडम्पशन किए, और तीसरा है कि कुछ हिस्सा प्रॉफिट से निकाल के और कुछ हिस्सा नया शेयर का इशू करके और उससे जो पैसा मिलता है उससे रिडम्पशन कर सकते हैं। तो ये तीन तरीका हो गया। अब क्वेश्चन बनाने का जो मेथड है वो चार मेथड है, रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर के लिए क्वेश्चन बनाने का जो मेथड है वो चार मेथड है, चार तरीके से क्वेश्चन बनता है। पहला होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, जो ऊपर मैं आपको बताए थे डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि कौन कौन सा लाभ है जिसका प्रयोग आप रिडम्पशन के लिए कर सकते हैं, एक पहला मेथड हो गया। दूसरा होता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ फ्रेश इशू, फ्रेश इशू। अभी सेकंड ऑप्शन भी आपको एक हम बताएं कि नया शेयर आप इशू कर लीजिए या नया डिवेंचर इशू कर लीजिए या नया इक्विटी शेयर इशू कर लीजिए और उससे जो पैसा है उससे भी आप रिडम्पशन कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली आउट ऑफ इशू ऑफ न्यू शेयर, यानी ये दोनों फार्मूला को यहाँ तीसरा में मिला दिया। तीसरा में ये कर दिया कि थोड़ा हिस्सा प्रॉफिट में से पेमेंट करेंगे और थोड़ा हिस्सा नया शेयर के इशू करने से जो पैसा मिलेगा उससे करेंगे। चौथा रिडम्पशन बाय कन्वर्सन, कन्वर्सन का मतलब होता है कि प्रिफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए। तीन तरीका है कन्वर्ट करने का, या तो प्रिफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर दिया जाए इक्विटी शेयर में तो पुराना प्रिफरेंस शेयर रिडम्पशन हो जाएगा और नया इक्विटी शेयर क्रिएट हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि प्रिफरेंसियल शेयर को, पुराना प्रिफरेंसियल शेयर को नए प्रिफरेंसियल शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो पुराना प्रिफरेंसियल शेयर को अगर नए में कन्वर्ट किया जाएगा तो पुराना प्रिफरेंसियल शेयर खत्म हो जाएगा और नया प्रिफरेंसियल शेयर क्रिएट हो जाएगा। और तीसरा है कि रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर दे हम डिवेंचर में,
ये भी एक तरीका है कि हम उसको डिवेंचर में भी चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि वो कौन सा कन्वर्सन यूज करता है। तो ये चार विधि हो गई, एक आउट ऑफ प्रॉफिट, एक आउट ऑफ न्यू इशू, एक दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, फ्रेश इशू और आउट ऑफ प्रॉफिट दोनों को मिला दिया है, और चौथा एंड लास्ट का यूज किया है कि आउट रिडम्पशन बाय कन्वर्सन, यानी उसको कन्वर्ट हम लोग कर देंगे। ये चार विधि है क्वेश्चन बनाने का। अब इसके लिए जो जर्नल एंट्री किया जाता है, अगर जर्नल एंट्री आपके पास पहले से कॉपी में लिखा हुआ तो कोई बात नहीं है, समझते जाइए सिर्फ उसको कि जब आप नया शेयर इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल चैप्टर में प्रीफरेंस शेयर का बात है। तो जब नया शेयर इशू करते हैं तो एट पार पर अगर इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अगर पार पर करते हैं, और अगर प्रीमियम पर करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम। नया इशू दो तरीके से होता है, अगर एट पार पर होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पर होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब उसके बाद कहता है कि आप पैसा अगर आउट ऑफ प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट का कौन कौन हिस्सा का आप यूज करना चाहते हैं, कितना रुपया आप उसमें से निकालेंगे। तो आपको बता दिया गया है लिस्ट में कि कौन कौन पैसा का आप प्रयोग रिडम्पशन के लिए कर सकते हैं और कौन कौन पैसा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम पीएल का प्रयोग कर सकते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, अगर हम जनरल रिजर्व का प्रयोग कर सकते हैं तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का यूज कर सकते हैं तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड अकाउंट डेबिट, अगर हम कोई रिजर्व फंड का यूज करना चाहते हैं तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, यानी जहां से पैसा लीजिएगा वो डेबिट हो जाएगा। और टू में लिखा जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिडम्पशन करने के लिए आपने इतना पैसा रिजर्व कर लिया टोटल। अब अगर मान लीजिए कि हाँ सर, जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड दोनों एक है क्या? हाँ, अगर मान लीजिए कि आपने प्रीमियम की राशि भी पेमेंट करना है, मतलब रिडम्पशन ऑन प्रीमियम पर करना है, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर पुराने वाले प्रीमियम से रिटर्न ऑफ करना है, अगर पुराने वाले पीएल से रिटर्न ऑफ करना है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, या पुराने जो जनरल रिजर्व में पैसा रखा हुआ उससे रिटर्न ऑफ करना है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जिससे आपको नया वाला प्रीमियम का रिटर्न ऑफ करना है उसको डेबिट करेंगे। चाहे आप पुराना जनरल रिजर्व से कर सकते हैं तो उसको डेबिट करेंगे, चाहे आप पुराना सिक्योरिटी प्रीमियम से कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करेंगे, या पुराना पीएल से कर रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे। और टू में आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी अभी जो प्रेफरेंस शेयर का आप रिडम्पशन कर रहे हैं और उसमें जो प्रीमियम दे रहे हैं वो प्रीमियम यहाँ पर लिखा जाएगा। अब आता है कि पहले पेबल हम लोग बनाते हैं कि कितना पैसा देना है। तो पेबल दो तरीके से हो सकता है, एट पार पेबल भी हो सकता है, एट प्रीमियम पेबल भी हो सकता है। एट पार पेबल का मतलब होता है कि जितना रुपया लिए हैं उतना ही रुपया देंगे, और एट प्रीमियम पेबल का मतलब होता है कि जितना रुपया लिए हैं उससे ज़्यादा रुपया देंगे। तो अगर आप उसके लिए एट प्रीमियम का एंट्री करना चाहते हैं तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर प्रीमियम पर दे रहे हैं तो, और अगर पार पर दे रहे हैं तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है उसको सिर्फ हटा देंगे और बाकी वही एंट्री हो जाएगा पार पर कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रीमियम पर अगर आप रिडम्पशन करना है तो प्रीमियम डेबिट करेंगे, और प्रीमियम के बजाय अगर पार पर करना है तो फिर कोई प्रीमियम को डेबिट नहीं करना पड़ेगा। दोनों में एक ही चीज़ का अंतर होगा, प्रीमियम वाले में प्रीमियम डेबिट हो जाएगा एज ए नुकसान, और पार वाले में तो कोई नुकसान नहीं इसलिए वहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो एक एंट्री तो आपका कॉमन है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ये हो गया आपका पेबल कि हमको पेबल करना है। अब आप उसको पेड कर दीजिएगा, यानी उनका पैसा उनको लौटा दीजिएगा, तो उसके लिए एंट्री होगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके ऊपर वाले एंट्री में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट हुआ था क्योंकि हम लोग उतना पैसा हम लोग सोच रहे थे कि देंगे और अभी हम लोग उसको दे दिए, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी वो पैसा चला गया। टू बैंक जैसे ही होगा इसका मतलब है कि वो पैसा चला गया।
अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पार्ट पेमेंट किया है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर ने पूरा पैसा अगर कोई शेयर होल्डर ने नहीं किया है, तो आप उसको एक अपॉर्चुनिटी दे दीजिएगा कॉल करके कि भैया पेमेंट होने वाला, अगर तुम्हारा इच्छा है तो तुम आकर अपना पैसा जमा कर दो, तो तुम्हारा पूरा पैसा मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि 50 रुपया आपने मांगा है एक शेयर का और उसने 40 दिया है और 10 रुपया नहीं दे रहा, तो वो 10 नहीं देने के चलते वो उसका 40 भी डूब जाएगा। तो बेहतर है कि वो 10 रुपया दे दे, तो उसका 40 रुपया बच जाएगा। तो अगर कोई पैसा देने के लिए तैयार है, तो रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर फाइनल कॉल या जहाँ भी बाकी होगा टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, और फिर पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर फाइनल कॉल, या फर्स्ट कॉल का भी हो सकता है या सेकंड का भी हो सकता है जहाँ करके हो। तो जब तक पार्टली वाला अपने आप को पेड अप में नहीं कन्वर्ट कर लेगा, यानी पार्टली वाला जब तक अपने आप को फुल्ली पेड में नहीं कन्वर्ट कर लेगा, तब तक उसके शेयर का हम लोग रिडेम्पशन नहीं करेंगे। जरूरी है कि कोई भी पार्टली शेयर है, यानी कि अगर उसने पूरा पैसा नहीं दिया है, तो जब तक उसको आप पूरा पैसा नहीं मांग लेते और पूरा पैसा नहीं दे देता है, तो उनका रिडेम्पशन उनको नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया जर्नल एंट्री। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हम बताए थे, कितना यस, नंबर तक? 1 और 3 सर बताए थे, 1 और 3 बताए थे। हाँ? तो ये समझ में आया था, यस वन और थ्री समझ में आया था। यस यस सर, सर फोर से कुछ बनाए हैं आप लोग?